चुनाव के लिए कल प्रदेश भर में मतदान होगा, लेकिन सबकी नजर राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में त्रिकोणीय मुकाबला है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी वोटिंग और काउंटिंग को लेकर अपनी तैयारी पूरी की है। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 27 अगस्त को कॉमर्स कॉलेज सभागार में इसकी काउंटिंग होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रचार का शोर थम चुका है। अब मतदान में महज 13 घंटे का वक्त बचा है, लिहाजा प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से संपर्क करने में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोटिंग होगी। यूनिवर्सिटी ने वोटिंग के लिए 91 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 24 पोलिंग बूथ यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं। महारानी कॉलेज में 19, कॉमर्स कॉलेज में 11 पोलिंग बूथ बनाए हैं। महाराजा कॉलेज में 14, राजस्थान कॉलेज में 17 पोलिंग बूथ बनाए हैं। लॉ कॉलेज में 4, लॉ 5 ईयर कॉलेज में 2 मतदान केंद्र बनाए हैं। वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाने के लिए वाहन की सुविधा भी की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कुल 20,770 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वोटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकृत वाहन ही कैंपस में आ सकेंगे। छात्र संघ चुनाव की वोटिंग के बाद 27 अगस्त को मतगणना होगी। मतगणना के लिए कॉमर्स कॉलेज के सभागार को चुना गया है। 27 अगस्त को कॉमर्स कॉलेज में सुबह 10 बजे से काउंटिंग की जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने काउंटिंग में 107 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। मतदान और मतगणना के दौरान 1000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। 27 अगस्त को ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 27 अगस्त को ही विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। बहरहाल वोटिंग में ज्यादा वक्त नहीं है। 13 घंटे बाद प्रत्याशियों की तकदीर मतपेटी में कैद होना शुरू हो जाएगी और 2 दिन बाद कैंपस के किंग का फैसला हो जाएगा। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।